कश्मीर से आए एक 20 सेकंड के वीडियो ने पूरी दुनिया में तूफान उठा दिया है। ये वीडियो देखने के बाद कई देशों की राजनीति खत्म हो जाएगी। 20 सेकंड का ये वीडियो इतना ताकतवर है कि कई दशकों से चले आ रहे भारत विरोधी एजेंडा और कट्टर पंथ को मिट्टी में मिला देगा। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए सदस्यों ने शपथ ली है, लेकिन अचानक इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उन सभी देशों में भूचाल ला दिया है जो आज तक कश्मीर को विवादित इलाका बोलते हैं। आज दुनिया भर के कट्टर पंथियों को देखना चाहिए कि कश्मीर में क्या हुआ है। दरअसल जब किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार शपथ लेने पहुंची तो पूरी दुनिया की नजर उन पर टिक गई। भगवा साफा पहने शगुन परिहार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जय श्री राम का नारा लगा दिया। उसके बाद वो शपथ लेने के लिए आगे बढ़ी। जय श्री राम। मजे की बात यह है कि शगुन परिहार ने संस्कृत में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर में जय श्री राम और संस्कृत में शपथ देख करोड़ों लोगों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की गोलियां लेनी पड़ रही हैं। शगुन परिहार के अलावा दो और विधायकों ने संस्कृत में शपथ ले ली। पहले आप शगुन परिहार का शपथ वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको एक और शानदार बात बताएंगे। जय श्री राम। शगुन परिहार विधानसभा निर्वाचित निश्चय परमेश्वरस्य नामना शपथ संविधान। चलिए अब आपको किश्तवाड़ विधानसभा सीट से जीतने वाली शगुन परिहार के बारे में ऐसी बात बताते हैं जो हैरान करने वाली है। किश्तवाड़ विधानसभा सीट में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, फिर भी बीजेपी ने शगुन परिहार पर दांव लगाया। शगुन परिहार 521 वोटों से जीत भी गई। हैरानी की बात देखिए कि नवंबर 2018 में किश्तवाड़ में आतंकियों ने शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन शगुन परिहार उसी इलाके से जीत गई हैं।